जब शाह को करना पड़ता था घंटों इंतजार, तब गडकरी क्या वक्त नहीं देते थे उनको? शाह और गडकरी की वो पुरानी खटास क्या है जो आज गडकरी को भुगतनी पड़ रही है? एक सुनामी ने बदल दी कहानी, नहीं तो आज क्या मोदी नहीं देश के प्रधानमंत्री होते गडकरी? आखिरकार नितिन गडकरी और अमित शाह में किस बात की पुरानी टीस है? ऐसा क्या हुआ था? बाहर से तो सब कुछ बीजेपी में ठीक ठाक लगता है, लेकिन क्या बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल इन दिनों खूब गूंज रहा है। वजह आप जानते हैं, बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी ही नहीं बल्कि चुनाव संचालन समिति से भी नितिन गडकरी का नाम गायब कर दिया है। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और वो अध्याय आंखों के सामने आ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं यही वजह तो नहीं जो आज मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी से गडकरी को किनारे किया जा रहा है। ये बात है साल 2009, 2010, 2011 की। तब नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। याद कीजिए, आरएसएस, सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया का ग्रुप तब उस वक्त बहुत एक्टिव था और खुश भी था। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं, उस वक्त जब अमित शाह गडकरी से मुलाकात करना चाहते थे तब उनको मुलाकात का वक्त आसानी से नहीं मिलता था। वजह थी शहाबुद्दीन केस, वो केस जिसमें अमित शाह को जेल हुई, मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था और उन्हें गुजरात छोड़ दिल्ली रहना पड़ा था। उस वक्त ना तो अमित शाह का कोई फोन उठाता था और ना ही शाह को आसानी से मुलाकात का वक्त मिलता था। तब दौर था नितिन गडकरी का। गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी शहाबुद्दीन केस का दबाव था। उसी बीच जब साल 2009 में नितिन गडकरी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, तब मोदी बीजेपी के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्रियों के चेहरों में से एक थे जो शुभकामना देने दिल्ली नहीं पहुंचे थे, या आप कह सकते हैं मिलने का वक्त नहीं मिला था। सवाल उठता है कि क्या वक्त बदलने की वजह से आज नितिन गडकरी की पार्टी में ये हालत हो गई है? शायद पूरी बात यहीं खत्म नहीं होती। मोदी के दिल्ली आने से नितिन गडकरी की जिंदगी में क्या भूचाल आने वाला था? ये भी हकीकत है कि आरएसएस का कोई उस वक्त चहिता था तो वो नितिन गडकरी ही थे। अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होता उससे पहले पार्टी ने अपना संविधान बदलकर एक ही व्यक्ति को दो बार अध्यक्ष बनाने की शुरुआत की। कहने वाले कहते हैं कि ये सब कुछ नितिन गडकरी के कहने पर हो रहा था क्योंकि उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही थी। 2013 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था। चुनाव में नितिन गडकरी को दोबारा खड़ा करने की तैयारी थी। तभी एक घोटाले की खबर आई। घोटाले में गडकरी का नाम उछला, पार्टी को पीछे हटना पड़ा और राजनाथ सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। जानकार तो ये तक कहते हैं कि नितिन गडकरी उस वक्त दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो वो बीजेपी के पीएम फेस ही हो सकते थे। नितिन गडकरी का नाम घोटाले में आया तो राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद गडकरी की कहानी बदल सी गई। एक तरफ अध्यक्ष पद से गडकरी की कुर्सी चली गई, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी में गूंजने लगा। गोवा में 8 जून 2013 का वक्त था जब बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त मोदी के नाम की गूंज से आडवाणी नाराज हो गए थे। यहां तक कि आडवाणी उस बैठक में नहीं गए, नितिन गडकरी भी नाराज थे। नाम मोदी का गूंज रहा था, ऐसे में पीएम फेस तमाम चेहरे इस बात को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार करने लगे, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। मोदी को यहां से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया गया। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में चुनाव से पहले राजनाथ को हटाकर खुद अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बन गए। महाराष्ट्र में साल 2014 में बीजेपी की जीत हुई तो गडकरी सीएम बनना चाहते थे, खबरें तो यही है। लेकिन शाह ने यहां भी दाव खेल दिया, गडकरी के जूनियर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया और यहां से जो खाई कम थी वो और गहरी हो गई। आज नितिन गडकरी सरकार में ही मंत्री हैं, लेकिन संगठन में कुछ भी नहीं है। शाह बहुत कुछ है। देवेंद्र फडणवीस को गडकरी की जगह कार्यकारिणी में बिठाया गया है, मतलब समझ रहे हैं ऐसा क्यों किया गया? जिस नेता को गडकरी ने सिखाया उसे महाराष्ट्र में गडकरी से बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? बीजेपी में पीएम बनने वालों में दो नाम खूब चल रहे थे, एक राजनाथ सिंह और दूसरा नितिन गडकरी। सवाल यही था कि अगर मोदी नहीं तो कौन? तो ये दो चेहरे जो आप देख रहे हैं, उन्हीं दोनों चेहरों के इर्द गिर्द सियासत का पहिया घूम रहा था। कहते हैं ना,
वक्त कभी भी किसी का बदल सकता है, लेकिन जब अच्छे दिन हो तो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो फिर बदलेगा। कमजोर ताकतवर होगा, ताकतवर कमजोर होगा, और सियासत का यही दस्तूर है। नितिन गडकरी को कार्यकारिणी में क्यों नहीं लिया गया, बहुत हद तक तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कोई और थ्योरी आपके दिमाग में है तो आप भी बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।